हाय फ्रेंड्स। तो आज मुझे शाम में बहुत ज़्यादा कुछ टेस्टी सा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने मम्मी से कहा कि आज ब्रेड पकौड़ा बनाए, जो कि मेरा फेवरेट डिश में से एक है। वैसे तो सब लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, बट मुझे अपनी मम्मी वाला ब्रेड पकौड़ा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप मम्मी के साथ सीखिए और बनाइए। साइड वाला पोर्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि मेरी मम्मी को पता है, तो मम्मी इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर ब्रेड पकौड़ा में यूज़ कर लेगी। देखिए, पाउडर बन चुका है जो कि मेरी मम्मी ने बनाया। ऐसे यूज़ करेगी ब्रेड पकौड़ा में, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। आलू बन गया अपना, मम्मी ने डाला इसमें कोरिएंडर लीव्स, एक्चुअली उतना फ्रेश नहीं है। नेक्स्ट ग्रीन चिल्ली, नेक्स्ट ये अपना आलू बन गया है। इसमें मम्मी ने डाला सम कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिल्ली और अपना बादाम भी मम्मा ने थोड़ा थोड़ा डाला है, तो अब मम्मा और थोड़ा ऐड कर रही है। इसको आप मिक्स भी कर सकते हैं। देन मम्मी ने डाला सम अनियंस, नेक्स्ट गरम मसाला, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, टेक सम ऑयल इन योर पैन, हल्का सा ऑयल डाल लें अपने पैन में। ओके, मुझे क्वांटिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कितना कैसे डालना है, और हम लोग का कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। टेक अ कंटेनर एंड ऐड सम वाटर इन इट, और ये वाटर को वाटर में मम्मा ने इसे डिप कर दिया। ओके, एंड ये वाटर जो सोक कर लेता है वो आप हल्का हल्का हटा दीजिए। करके रखे हैं, और मैंने जैसे कि बताया था कि ये मम्मा कुछ ट्रिक यूज़ करने वाली है इसका, तो मम्मा अब इस रोल को लेकर इसमें डिप करेगी। ऐसे डिप करने से मम्मा ने बताया कि क्रिस्पीनेस ज़्यादा होता है, तो ये ट्रिक को आप मिस नहीं कीजिएगा। क्रिस्पीनेस आप ब्रेड पकौड़ा और क्रिस्पीनेस इट्स लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, एंड दिस प्रोसेस आपको जितना भी ब्रेड पकौड़ा चाहिए कंटिन्यू करते रहिए। इसको ऐड कर दिए, ऑयल में फ्राई करने के लिए हम लोगों ने ऐड किया है, एंड आप इसको अच्छे से जब तक इसमें ब्राउनिश टाइप का कलर ना आना शुरू हो जाए तब तक आप इसको फ्राई करते रहिए।